हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं महेंद्र सिंह। आज आपके सामने लेकर आया हूं ऐसे सिरप जिसका यूज ब्रोंकोडाइलेटर या म्यूकोलाइटिक सिरप के रूप में किया जाता है। ये सिरप बलगम वाली खांसी के लिए काम में ली जाती है, और रेप्स वाली खांसी हो, जैसे कि सांस उठ रहा हो, या फिर जिनके मतलब चेस्ट के अंदर कफ का जमा हो गया, तो कफ सिरप का नाम ग्रिलिंगटस बीएम है, जिसके अंदर कंटेंट है टर्बुटालिन सल्फेट एंड ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड। इस कप सिरप की प्राइस 96.68 रुपीज़ है, और ये एक एथिकल प्रोडक्ट है जो आपको हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। सिरप के अंदर 5 ml के अंदर टर्बुटालिन सल्फेट 2.5 mg होता है, और ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड 8.0 mg होता है। इसका फ्लेवर सिरप ही बेस्ट है, मतलब इसका बेस है वो सिरप बेस है। कप सिरप लेने का तरीका यही है, कप सिरप लेने के बाद पानी नहीं लेना चाहिए, मतलब विदाउट ड्रॉट ऑफ वाटर, मतलब पानी बिना पानी के कप सिरप लेना चाहिए। इसलिए ये अगर ये पानी के साथ ले लेते हैं तो ये कप सिरप सही तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि जो दवाई है इसके अंदर वो गले से नीचे उतर जाती है, फिर कफ को ये नहीं रोक पाती है दवाई। इसके अंदर जो टर्बुटालिन सल्फेट है वो एक ब्रोंकोडाइलेटर है, और ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड और म्यूकोलाइटिक है, मतलब जो चेस्ट के अंदर कफ जमा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड करता है, जो कफ को पतला करके बाहर निकालता है। जो जमा हुआ कफ होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिनको लिक्विड में बना के धीरे धीरे उस कफ को बाहर निकालने का काम करती है। और टर्बुटालिन सल्फेट है वो ये एक ब्रोंकोडाइलेटर है, मतलब कि जो कफ के साथ सांस बजना अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती, खांसी के साथ अस्थमेटिक प्रॉब्लम होती, सांस लेने में परेशानी होती है, उस टाइम ये टर्बुटालिन सल्फेट ऐसी खांसी को ठीक करता है। टर्बुटालिन सल्फेट अस्थमेटिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, और जो बलगम वाली खांसी है वो बिल्कुल उसको ठीक करने में बहुत ही बढ़िया दवाई है। ये टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमहेक्सीन हाइड्रोक्लोराइड सिरप का कॉम्बिनेशन बलगम वाली खांसी और सांस उठने वाली खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और सूखी खांसी के लिए अलग से कफ सिरप आती है, ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। सूखी खांसी के लिए इस दवाई को बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इस कफ सिरप को लेने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स जो देखे गए हैं, नॉर्मली एलर्जिक रिएक्शन है वगैरह है, ज़्यादा कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और इसको 4 साल से नीचे के बच्चों में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इस सिरप को दिन में 3 बार लिया जाता है, जैसे कि एडल्ट में 5 ml TDS लिया जाता है, मतलब 3 टाइम लिया जाता है। और इस दवाई के बाद पानी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और इस दवाई की जो पैकिंग है वो इस प्रकार से है, इसके अंदर एक 100 ml का बोतल है, और इसके ऊपर जो मेजरिंग कप है, इस मेजरिंग कप की सहायता से दवाई को दिया जाता है। इसके अंदर 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml, 8 ml की मार्किंग की हुई है, इस मार्किंग के हिसाब से दवाई दी जाती है, बहुत ही बढ़िया पैकिंग में। और एक इसका बेनिफिट ये है, ये कांच की बोतल है, तो कांच की बोतल में दवाई की एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। धन्यवाद दोस्तों, ग्रिलिंगटस बीएम सिरप के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इसी तरह के हेल्थ संबंधी टिप्स से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।